सकल शुभ सिद्ध करे हनुमंत। सामने है 100 योजन विशाल समुद्र और समुद्र किनारे बैठी है माता सीता की खोज में निकली वानरों की एक टुकड़ी। क्या इस विशाल जल निधि को लांघना असंभव है? क्या राम काज करने का साहस इस चराचर जगत में किसी को नहीं? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि सागर तट पर हताश निराश बैठी वानर सेना को लंका जाने का जब कोई उपाय नहीं सूझ रहा था, तब महामुनि जामवंत ने भगवान शिव के 11वें रुद्रावतार हनुमान जी को स्मरण कराया, उनकी विस्मृत शक्तियों का स्मरण कराया, उनके तेज और प्रताप का स्मरण कराया, उनकी अष्ट सिद्धि और 9 निधियों के ज्ञान का। फिर क्या था, रच गया इतिहास। 100 योजन की जल निधि भी छोटी पड़ गई महाकपि के हौसलों के आगे। महाकपि ने न केवल माता सीता का पता लगाया, वरन पूरी सोने की लंका को ही जलाकर भस्मीभूत कर दिया। समय आ गया है एक बार पुनः राम काज के लिए और प्रभु श्री राम के जन्म स्थान अयोध्या में भव्य मंदिर निर्माण हेतु राम भक्तों को अपने अंदर सोई हनुमत शक्ति को जगाने का। संपूर्ण हिंदुस्तान के आराध्य देव प्रभु श्री राम की जन्मभूमि पर भव्य मंदिर के निर्माण के लिए संत महात्माओं समेत करोड़ों राम भक्त अब हनुमत शक्ति जागरण यज्ञ में जुट रहे हैं। एक बार फिर राम काज के लिए पुकारे जा रहे हैं महाबली हनुमान। राम जन्मभूमि के लिए भी हम लोक जागरण का काम करेंगे 4 महीने, और यदि हमारे संतों की आज्ञा होती, उन्हीं के नेतृत्व में यहाँ कार्य चल रहा है, तो इतना बड़ा आंदोलन खड़ा करेंगे जिससे कि इस सरकार को घुटने टेकने पड़े और राम जन्मभूमि मंदिर के निर्माण का कानून बनाना पड़े। अब हमारी लड़ाई राम जन्मभूमि के कानून बनाने के लिए आगे चलेगी। एक बार फिर संत महात्मा मंदिर निर्माण के लिए निकल चले हैं गांव गांव नगर नगर। उनकी जुबान पर नाम है तो बस राम भक्त हनुमान का। आज संतों ने जो संकल्प किया है, वह संतों के संकल्प और आशीर्वाद से देश की करोड़ों जनता उनसे एक बार जवाब उठाएगी, और जहां राम लला विराजमान है वहां भव्य मंदिर बनेगा, और बाबर के नाम की मस्जिद कहीं नहीं बनने देंगे। बोलो जय श्री राम। हनुमत शक्ति के प्रताप से, हनुमत शक्ति के जागरण से देश की हनुमत शक्ति को एक बार फिर राम काज के लिए जगाने की तैयारी है। जयति बल सागर सुर समूह समरथ भट नागर ओम हनु हनु। आप और हम सब एक एक गांव को लेकर के बैठ जाएं और इस शासन व्यवस्था को बदलने की कोशिश करें, तो मैं समझता हूँ हमारे सारे रोगों से मुक्त हो जाएंगे। हमारा समाज, हमारा हिंदू समाज रोग मुक्त हो जाएगा, पर हमारा नेतृत्व करने वाला जो समाज है, मैं अशोक जी से कह रहा हूँ, कितने बरस से वो चिंतन करिए, सोचिए, विचारिए। संत आपके पीछे, हिंदू समाज आपके पीछे है। अंधकार में एक दीपक टिमटिमा रहा है, उसका नाम है अशोक सिंगल। अशोक सिंगल अगर इस बात पर विचार कर ले, तो मैं समझता हूँ कि मंदिर भी बन जाएगा, गंगा का धारा
भी प्रभावित होती रहेगी, सब कुछ हो जाएगा। हमको परिवर्तन चाहिए, परिवर्तन के लिए हिंदू समाज तैयार है, पर नेतृत्व करने वाला कोई है? कोई नेतृत्व करने वाला अगर आगे आ जाए तो मैं समझता हूँ ये शासन व्यवस्था जब तक परिवर्तन नहीं होगी तब तक कुछ भी हमें हासिल होने वाला नहीं है। आइए हम आपको श्री राम जन्मभूमि स्थल के इतिहास से रूबरू कराते हैं। 22 दिसंबर 1949 की रात अयोध्या स्थित श्री राम जन्मभूमि मंदिर अचानक दिव्य रोशनी से सराबोर हो उठा। भोर होते होते संपूर्ण अयोध्या में शोर मच गया। जन्म स्थान पर स्थित 3 गुंबदों वाले ढांचे में प्रभु श्री राम प्रकट हुए हैं। फिर क्या था, मानो पूरा अयोध्या नगर ही अपने प्रभु श्री राम का दर्शन करने के लिए टूट पड़ा हो। बाल पुरुष वृद्ध नर नारी सभी भगवत भजन गाते हुए उस ढांचे की ओर बढ़ चले जहां रामलला प्रकट हुए थे। त्रेता युग के बाद अयोध्या में रामलला के प्राकट्य की लीला एक बार फिर घटित हुई, और यह घटना कोई असाधारण घटना नहीं थी, क्योंकि कुछ ही अरसा पूर्व हिंदुस्तान के 2 टुकड़े हो गए थे, देश विभाजित हो गया था। देश की खंडित स्वतंत्रता के साथ महात्मा गांधी के राम राज रूपी स्वप्न भी खंडित हो गए। 14-15 अगस्त की रात ट्रिस्ट विथ डेस्टिनी के उद्घोषकों ने राम राज को दरकिनार कर भारत में उस राज की नींव रखी, जिसके चलते अपने ही देश में हिंदू तीसरे दर्जे के नागरिक बनने पर बाध्य कर दिए गए। Long years ago, we made a tryst with destiny, and now the time comes when we shall redeem our pledge, not wholly or in full measure, but very substantially. At the stroke of the midnight hour, when the world sleeps, India will awake to life and freedom. जबकि सनातन सत्य यही है कि राम बिना निष्प्राण है भारत, राम बिना सूनी है अयोध्या, राम बगैर बांझ है भारतीय राजनीति, और राम बिना व्यर्थ है सारे उन्नति और सोपान। भारत अगर बचा है तो भगवान श्री राम रघुपति राघव राजा राम स्वाधीनता का मंत्र बना था। जिस दिन रघुपति राघव राजा राम अंग्रेज भारत की धरती छोड़कर भाग गए थे, आज उसी राम के मंदिर के लिए हमें सड़कों पर उतरकर संघर्ष की नौबत आई है। ये तो बहादुरी, मैं जानना चाहता हूँ, यहाँ मीडिया मौजूद, मैं जानना चाहता हूँ कि जो आंदोलन देश के राजनीति की दिशा बदल देता हो, जो आंदोलन देश के राजनीतिक सोच को बदल देता हो, जो आंदोलन देश की राजनीतिक व्यवस्था को बदल देता हो, इतने ताकतवर आंदोलन को आपने क्या दिया? मैं पूछूं कि सन 1984 से चलने वाले राम जन्मभूमि आंदोलन को केंद्र सरकार ने क्या दिया, प्रांत सरकार ने क्या दिया? देने के नाम पर केवल झूठे आश्वासन दिए गए, झूठे, लगातार झूठे आश्वासन दिए गए। यह तो इन संतों का संकल्प था और नौजवान हिंदुओं का बाहुबल था जो उस गुलामी के ढांचे को उखाड़ फेंक दिया। मैं आपसे फिर वही कहता हूँ कि इनके पर भरोसा न करो।